नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूँ आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। लोहरामऊ मंडल के महाराणा प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज के बगल खुला बीजेपी कार्यालय। सुल्तानपुर विधानसभा 188 बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री विनोद सिंह के प्रचार में बीजेपी के कार्यकर्ता ने कासी कमर महाराणा प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज के बगल खुले कार्यालय पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और बीजेपी को सुनिश्चित जीत करने के लिए सभी पदाधिकारी ने सभी गांव में घर घर जाकर समर्थन मांग रहे हैं और बीजेपी को पूरा सरकार बनाने के लिए अपील कर रहे हैं। इस मौके पर प्रेमेंद्र भार्गव ने सभी पार्टियों पर ताज कसते हुए कहा, समाजवादी पार्टी कांग्रेस बीएसपी सभी के साथ छल करती है, बीजेपी ऐसी सरकार है सभी को साथ लेकर चल रही है और गरीब किसान मजदूर को साथ लेकर चलेगी। इसी के साथ वीरेंद्र ने कहा, बीजेपी सरकार बनेगी, बच्चियों को स्कूटी दी जाएगी। इस मौके पर शिव प्रकाश उपाध्याय, अजय सिंह यादव, संतोष कुमार पांडे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य छेदीलाल मौर्य, प्रदीप तिवारी, सत्येंद्र उर्फ नन्हे तिवारी, घनश्याम पाठक, रोहित पांडे, पप्पू श्रीवास्तव, प्रमोद पांडे उर्फ पप्पू पांडे, भारी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। हरिकेश यादव की रिपोर्ट। जी सर, क्या नाम है? वीरेंद्र भार्गव नाम है। मैं भारतीय जनता पार्टी पिछावर प्रकोष्ठ में जिला महामंत्री हूँ। सर, जैसे आप जनता के बीच में निकल चुके हैं तो कैसा समर्थन आप लोगों को मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। जनता पूरे मूड में, अब पूरे होश हवास में एकदम कह रही है कि हम मोदी, योगी और माननीय विनोद सिंह को जिता के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। जैसे सर, यहाँ विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 सीटें में आप लोग कितनी सीटें जीत? पाँचों सीटें अपनी मान के चल रहे हैं और 5 सीटें हमारी बहुत अच्छी वोटों के साथ निकलेगी। सर, यहाँ मंत्री जी कितने वोटों से जीतेंगे? कितने भी अंतर होगा, कम से कम 25,000 का अंतर रहेगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से विधानसभा 188 के वासियों को क्या कहना चाह रहे हैं? हम आपके चैनल का धन्यवाद देते हैं और साथ ही अपने विधानसभा में अपने विधानसभा के वासियों से ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। हमारी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, योगी मोदी जी की सरकार ने जितना लोगों को लाभ दिया हुआ है किसी भी सरकार में नहीं मिला हुआ है और लोग भी ये चीज़ महसूस कर रहे हैं, जान रहे हैं कि सबका साथ सबके विकास के साथ साथ हमारी पार्टी काम कर रही है और इसी आशा के साथ सभी लोग फिर से भाजपा की सरकार बना रहे हैं, ये संदेश है। सर, जैसे कि ये आप एक गाना चलाया कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, विपक्षियों द्वारा वो बता रहे हैं कि मतलब वो राम को ला सकते हैं कि राम उनको लाए, क्या कहना चाह रहे हैं इस पे आप? राम को वो लोग अगर लाए होते तो उनका नाम होता ना। अभी तक 500 सालों से अयोध्या का प्रकरण चल रहा था, किसी ने भी पार्टी भी इस पर कभी फोकस नहीं किया, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया, उसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी, इतने हमारे भारतवासी शहीद हुए, उसमें किसी ने एक पक्ष भी उसमें नहीं लिया बल्कि विपक्ष ने उसमें उन पर गोलियां चलाई। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रखा कि नहीं, हमारे जो शहीद हुए हैं अब अयोध्या में भारत क्या कहते हैं राम मंदिर बनना चाहिए, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लड़ी और आज जो है भारत अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सर, जैसे कि आज दूसरा चरण का मतदान था, सर आज दूसरा चरण का मतदान था तो इसमें क्या लहर आप लोगों की? लहर आप सबके माध्यम से ही पता चला है कि और हमारे पदाधिकारियों के माध्यम से पता चला है कि बहुत ही अच्छी वहाँ पे लहर है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा सीटें जीत रही है और वही लहर पूरे देश में है। यहाँ उत्तर प्रदेश में भी हम लोग अपने सुल्तानपुर में भी 5 सीटें जीतेंगे। ऐसे खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।